भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम शिवराज ने आज चांदनी का पौधा लगाया। इस मौके पर सीएम शिवराज ने प्रदेश की जनता को हृदय से धन्यवाद देते हुए कहा कि होली का त्योहार प्रदेश की जनता ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया। कोरोना संक्रमण को लेकर जनता ने आत्म अनुशासन का परिचय दिया है, परंपरा निभाई है, लेकिन भीड़ को जुटने नहीं दिया। कोरोना को रोकना है तो सरकार और प्रशासन के साथ जनता को मिलकर काम करना होगा। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ते मामलों पर कोरोना की समीक्षा बैठक ली गई है, जिसमें तीन विषयों पर हमने फोकस किया है। पहले, संक्रमण की गति कैसे कम की जा सके और अस्पतालों में बिस्तरों की व्यवस्था, और तीसरा, आने वाले समय में हम कैसे इसको खत्म कर पाए। वृक्षारोपण का संकल्प जारी है, आज चांदनी का पौधा लगाया है। विकास और समृद्धि का फूल मध्य प्रदेश में खिले, यही प्रार्थना भी है और ये प्रयास भी है। आज मैं मध्य प्रदेश की जनता को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखकर त्योहारों को संयम से बिना भीड़ भाड़ के मनाए जाने की जरूरत थी, और मैंने जनता को यह आह्वान भी किया था कि रस्म मनाए, परंपरा पूरी करें, पर जुलूस भीड़ ना हो तो संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश की जनता ने आत्मानुशासन का परिचय दिया, परंपरा निभाई, लेकिन भीड़ इकट्ठा नहीं हुई। कोविड के संक्रमण की गति को रोकने के लिए ये प्रयास आवश्यक थे, और संक्रमण को अगर रोकना है तो सरकार के साथ, प्रशासन के साथ जनता मिलकर ही रोक सकती है। आज सवेरे हमने कोरोना की स्थिति पर विचार किया और तीन चीजें जो हमारे दिमाग में हैं, मैंने अपने अधिकारियों को कही है, अभी दिन भर वर्कआउट करेंगे हम। एक, संक्रमण की गति कैसे कम की जा सकती है, क्योंकि चैन टूटे ये जरूरी है। दूसरे, अस्पतालों में बिस्तर की व्यवस्था, क्योंकि छोटे शहरों में बड़ी संख्या प्रभावितों की आ रही है। बैतूल, रतलाम जैसे शहर अगर 100 के आसपास पहुंच जाएं तो चिंता होना स्वाभाविक है। और तीसरे, आने वाले समय में हम इसको खत्म कैसे कर पाए, समुचित इलाज, और ये खत्म कैसे हो, क्योंकि पड़ोसी राज्य में तो बहुत भयानक स्थिति है। आज ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, दिन भर विचार विमर्श का दौर चलेगा, शाम को एक बार फिर कोरोना पर ही हम फिर चर्चा करके अगर जरूरी हुए तो कुछ फैसले और करेंगे।